प्लान तो था मस्त टाइमलेस से लिया जाएगा और इधर से साइड से एंट्री मारेगा तुम्हारा भाई, लेकिन वो तो कैंसिल हो गया। फिलहाल के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं द क्वारंटीन प्रोसेस इन उत्तराखंड। अगर आप उत्तराखंड आ रहे हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करने वाले हैं। वो 14 दिन क्वारंटीन वाला तो अलग छोड़ दो, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आपको आज के ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है जी। और हाँ, फीचरिंग पुलकित गढ़ाकोटी, ये जोड़ लेना पीछे से, क्योंकि ऐसा होता है सब जगह के अलग अलग रूल हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताएंगे और आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देख लेना, ठीक है जी। तो अगर आप इस लॉकडाउन में उत्तराखंड आ रहे हैं तो आपको भाई 14 दिन क्वारंटीन तो रहना ही रहना है, उसको मतलब ऐसा ना गांठ बांध के रख लीजिए। अब आपके पास रहते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन ये है कि होम क्वारंटीन, 14 दिन आप अपने घर पे क्वारंटीन रहो, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आपको 14 दिन अशोक वाटिका में पंचायत घर या TRC में रहना पड़े। अब आपको अशोक वाटिका नहीं पता है तो भैया आपने हमारे ब्लॉग नहीं देखे, इसका मतलब हमारे पुराने ब्लॉग देखिए जो हमने अशोक वाटिका में बनाए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि अशोक वाटिका क्या चीज़ है। अब आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भैया अगर हमारे पास ऑप्शन है घर पर क्वारंटीन रहने का तो हम ऐसे अशोक वाटिका में पंचायत घर में TRC में क्यों रहें। तो अब बात कुछ ऐसी है कि आपकी माँ को लगता है कि शहर से उसका बेटा घर आया है, लेकिन बाकी गांव वालों को लगता है कि शहर से कोरोना आया है, इसलिए बेटर है कि आप होम क्वारंटीन ना रह के TRC पंचायत घर या अशोक वाटिका में क्वारंटीन रहो। चलो मान भी लिया कि आपको अपने घर पर रहना है, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है, तो भैया आपके चक्कर में 14 दिन आपकी मम्मी पापा को भी क्वारंटीन रहना पड़ सकता है। और सीन कुछ ऐसे होंगे कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो सामने वाला बंदा इस रास्ते से जाएगा, अगर आप इस रास्ते से जा रहे हो तो सामने वाला बंदा इस रास्ते से जाएगा, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग फॉर 14 डेज आपको होम क्वारंटीन में भी पालन करना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि भैया TRC पंचायत घर जैसी जगहों पर रहो और अपना 7 दिन या 14 दिन वहाँ पर काटो, और 7 दिन बाद आपके पास कॉल आ जाएगा देहरादून से या जहाँ का आपका सेंटर है वहाँ से कॉल आ जाएगा कि भैया क्या सीन है, भाई कुछ खांसी वगैरह हो रही है नहीं हो रही है, तो अगर आप ना कहोगे तो फिर आपको फिर 7 दिन के लिए घर पे भेज देंगे, कहते भैया ठीक है आपने 7 दिन यहाँ रह लिया अब 7 दिन होम क्वारंटीन रहो। तो यही सीन हमारे साथ भी हुआ, इसी चक्कर में 7 डे 7 ब्लॉग वाला प्लान कैंसिल हुआ हमारा, अब समझे भैया। अच्छा इधर हो क्या, अब आ जाता है मेन सवाल कि 14 दिन क्वारंटीन के बाद क्या। तो सर सीधा सा आंसर है भैया, 14 दिन बाद आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर आपके पास आता है और वहाँ जाके आपका टेस्ट होता है। लेकिन भैया नहीं, हमारे लिए 14 दिन 14 वर्ष के वनवास की तरह हो रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं हम 14 दिन इंतजार नहीं करते, 11-12 दिन ही पहुँच गए भैया सीधे। तो भैया आज है 11 अगस्त और आज हम जा रहे हैं अपना चेकअप करवाने, अभी हमें 14 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो हमने कहा यार करवा लेते हैं भाई, कुछ ऐसा छींक भी नहीं हो रही है, जुकाम भी नहीं हो रहा है, हमने कहा यार करवा ही लो, क्योंकि फिर इंतजार नहीं हो रहा ना, बहुत सारी बारिश हो रही है, क्या सही मौसम हो रहा है। और हमारे साथ हमारे पिताजी जो भी कैमरे के सामने आने में कंफर्टेबल नहीं है, तो पिताजी हैं पीछे, टेंशन ना लो, दिखाएंगे समय आने पर वो भी दिखाएंगे। तो फिलहाल तो बस कुछ सीन्स ऐसे हैं, पिताजी हैं और समझ गए ना, इसे थोड़ा पीछे पीछे गैप में चल के ब्लॉग हो रहा है। पिछले 4-5 महीनों में क्वारंटीन, लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू, सैनिटाइजर, ये शब्द इतने सुन लिए हैं ना, अब इन हाथों में इतना खून नहीं बचा कि जितना इन हाथों ने सैनिटाइजर गिरा दिया है। लेकिन 2020 में ये दिन देखना भी हमारा बाकी था जो हमने 11 अगस्त को देखा। देखो अभी मैं आया था इधर कोरोना का टेस्ट कराने बॉस, जो चीज़ हुई ना भाई दिल दर, मुझे लगा कि भाई वो थर्मल गन लगाएंगे अपना, जैसे रामनगर पे किया हुआ था ना जब हम आ रहे थे, तो उस टाइप का रहेगा। लेकिन बॉस जी हाँ भैया, हमें वही लगा था कि थर्मल गन से टेस्ट होगा, नॉर्मल सा टेस्ट होगा, 5-10 मिनट में वहाँ से निपट जाएंगे। लेकिन भैया इस बार थोड़ा नेक्स्ट लेवल वाला सीन था, तो प्रॉपर PPE किट पहन के डॉक्टर आए, उन्होंने जो स्टिक होती वो पहले एक नोज़ में डाली और फिर एक मुंह में डाली, तो जो नोज़ वाली थी भाई वो सबसे ख़तरनाक थी, वो बंदे ने यहाँ पहुँचा दी और 2-3 सेकंड तक का तो उसे ऐसे घुमाता रहा, मतलब ऐसा था कि अगर वो 5-10 सेकंड के लिए और रखता ना भाई, फिर तो भाई तगड़े सीन हो जाते वहाँ पर। तो मैं चाहूँगी भैया कोई भी अगर दिल्ली से उत्तराखंड आना चाहता है, उत्तराखंड से कहीं भी जाना चाहता है ना, कि अभी ना यार 2020 का साल ऐसा कि वो कहता है कि भैया रुको ज़रा सब्र करो यार, तो अभी होल्ड करो, इस साल कहीं ट्रैवल मत करो, अगर आप दिल्ली में तो दिल्ली रहो, उत्तराखंड तो उत्तराखंड ही रहो। थोड़ा सा ना यार काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था, मैं नहीं चाहूँगा कि कोई बंदा उस एक्सपीरियंस को ले और वो चीज़ों से गुजरे भाई। तो वहाँ पर हमारा प्रॉपर COVID-19 का टेस्ट हुआ, अब उन्होंने हमारा सैंपल ले लिया है, हमारा नंबर ले लिया, अब हमें एक मैसेज आएगा और एक मैसेज की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो भैया सीन कुछ ऐसे हैं कि हमने वहाँ पर अपना नंबर दे दिया है, अब वो नंबर पर अगर मैसेज आता है कि भैया कुछ है तो फिर हमें फिर से क्वारंटीन होना पड़ेगा और चलो चले नील गगन को हो जाएगा, बट एक मैसेज इतना इंपॉर्टेंट होगा भैया अब पता चल रहा है। तो लड़कों चाहे तुम्हारे बाबू का मैसेज हो या कोविड पॉजिटिव नेगेटिव का मैसेज हो, मैसेज इंपॉर्टेंट होते हैं भैया।
समझ लो। तो मैसेज तो इंपॉर्टेंट होते हैं भैया, ये तो हमें आज क्लियर हो गया। तो एक प्यारे से मैसेज और प्यारे से मन की बात के साथ आज की वीडियो एंड करेंगे कि एक समय था जब शहर से लड़का आता था तो अपनी माँ के लिए, अपने पिताजी के लिए मिठाई लेके आता था और माँ आरती की थाली लेके खड़ी होती थी। लेकिन आज एक समय ऐसा आ गया है कि भैया घर में माँ सैनिटाइजर लेके खड़ी रहती है और बेटा क्वारंटीन का लेटर लेके आता है। बट हमारा तो क्वारंटीन ओवर हो चुका है, तो 14 दिन का वनवास हमने काट लिया है। तो भैया जो भी है, जहाँ भी हो वहीं रहो, स्टे सेफ स्टे होम, ऐसे क्वारंटीन वारंटीन जैसी चीज़ों से बच के रहो। तो हम अब चलते हैं, मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, क्योंकि भैया काम 25 है और घंटे 24 है। बाय।